हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिशा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं पालक पुलाव की रेसिपी, जिसे हम ग्रीन पुलाव भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आप जानते हैं पालक हमारे लिए कितना हेल्दी होता है, तो इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन में हमें पानी को गर्म करने के लिए रखना है। पानी गर्म होते ही हम इसमें ये साफ किया हुआ पालक डालेंगे। पालक को हमें 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में उबालना है। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक उबालना है, क्योंकि ज़्यादा उबालने से पालक का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये जो पालक है वो उबलने लगा है। अब हम गैस बंद करके इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से। अब हम इस पर ये जो फ्रीज का ठंडा पानी है वो डालेंगे। ऐसा करने से पालक की ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हमें मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। फिर से उसी पैन में हम पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे। पानी गर्म होते ही हम इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल मिलाएंगे। अब इसमें 1 कटोरी जितना भिगोया हुआ चावल डाल देंगे। चावल को हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक गर्म पानी में उबालना है, जब तक कि ये पक ना जाए। ये देखिए, चावल जो है पक गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करके इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे, इस तरह से। अब हम इसमें ऊपर से 1 चम्मच जितना ऑयल छिड़केंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। ऐसा करने से चावल एक दूसरे को चिपकते नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले एक पैन में हम 3 बड़े चम्मच जितने ऑयल को गर्म करने के लिए रखेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें ये काजू डालेंगे। काजू को हमें धीमी आंच पे ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, अब इसे निकाल लेंगे हम। काजू को बहुत ध्यान से फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जलने लगते हैं। अब बचे हुए तेल में हम सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी और ये हरा मिर्च। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें 1-2 मिनट तक पकाना है, ताकि ये हल्का ब्राउन कलर का हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें ये कुदकुदा किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये टमाटर की प्योरी डाल देंगे। प्योरी को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना पड़ेगा, ताकि इसमें से अच्छी तरह से ऑयल बाहर निकल आए। पैन को कवर कर लेंगे। ये देखिए, ये तेल अच्छी तरह से निकल आया है बाहर। अब इसमें हम ये पालक का पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे भी।
पालक के पेस्ट को भी हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें से भी पानी निकल जाए और ऑयल अच्छी तरह से बाहर आ जाए। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच पाव भाजी मसाला। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब हम इसमें थोड़ा सा ये पानी डालेंगे और डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने लगभग 3-4 चम्मच जितना पानी डाला है। कवर कर लेंगे पैन को ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ये जो हमारे राइस थे वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से। अब इसमें ये नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम ये जो हमारे फ्राई किए हुए काजू थे वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। ये जो हमारा ग्रीन पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे। Thank you.